तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्सिस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इस कंसेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस कंसेप्ट में हमें सीखना क्या है, देखिए दोस्तों क्या सीखना है इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दोस्तों आपके पास तीन कंटेनर्स हैं, मान लेते हैं ये तीन कंटेनर्स हैं आपके पास, ओके ये बहुत ही पतले कंटेनर्स हैं, तीन कंटेनर्स हैं मान लेते हैं, ठीक है। और ये तीन कंटेनर्स में अलग अलग लिक्विड आपने भरे हुए हैं। तो पहला जो लिक्विड है मान लेते हैं उसका फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है, दूसरा जो लिक्विड है वो यहाँ पर कॉनकेव शेप बना रहा है, सॉरी कॉन्वेक्स शेप बना रहा है, तीसरा जो लिक्विड है वो यहाँ पर कॉन्केव शेप बना रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट कंसीडर करूँ, मान लेते हैं ये पॉइंट कंसीडर करते हैं हम लोग, ठीक है, ये पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं ए, ठीक है, ओके। तो इस पॉइंट पर कौन सा प्रेशर होगा दोस्तों, प्रेशर एट ए कितना होगा, ये जाहिर सी बात है ये एटमॉस्फेयर में, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है। अब यही पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट्स जो है दोस्तों, ये तीनों पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, पी ए, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, इसको हम ए बोलेंगे, ठीक है, ओके। तो ये ए पॉइंट पर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ये तो क्लियर है। अब दोस्तों ये फ्री सरफेस के अक्रॉस अगर मैं एक और पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करूँ बहुत ही क्लोज, ये ए पॉइंट भी फ्री सरफेस के बहुत क्लोज है, बी पॉइंट यहाँ पर मैं कंसिडर करूँ जो बहुत ही क्लोज है, ये बी पॉइंट, ये फ्री सरफेस की बहुत ही क्लोज पॉइंट है, ठीक है। तो ये बी पॉइंट का जो प्रेशर है दोस्तों, ये बी पॉइंट का प्रेशर ए जितना ही होगा या ए से ज़्यादा होगा या ए से कम होगा, ये हमें पढ़ना है। ये किस पे डिपेंड करता है दोस्तों, ये बी पॉइंट का प्रेशर ए जितना होगा या ए से ज़्यादा होगा या ए से कम होगा, ये किस पे डिपेंड करता है, ये फ्री सरफेस पे डिपेंड करता है, फ्री सरफेस के शेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर पढ़नी है। टाइटल देखिए क्या है, एक्सिस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। तो ये जो लिक्विड है दोस्तों, लिक्विड का जो फ्री सरफेस है, ठीक है, उसके अक्रॉस प्रेशर कितना होगा उसके बारे में अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक बात आपको ये पढ़ते हुए ध्यान में रखनी है दोस्तों कि ये जो बी पॉइंट है ये बहुत ही नज़दीक है फ्री सरफेस के, और ए पॉइंट भी बहुत ही नज़दीक है, ठीक है, मतलब इस हाइट की वजह से यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस नहीं क्रिएट हो रहा है, ये हाइट बहुत ही कम है, निग्लिजिबल है, ठीक है, ए और बी पॉइंट, ठीक है। तो ये दोनों जो है, ये दोनों के बीच की जो हाइट है वो निग्लिजिबल है, तो हाइट की वजह से प्रेशर डिफरेंस नहीं पैदा हो रहा है, हाइट निग्लिजिबल है जो करनी है आपको, ठीक है। अब तीनों केसेस के बी पॉइंट के प्रेशर के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जब ये फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा ना, तब बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो ए पॉइंट के प्रेशर के बराबर होगा। अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो बी पॉइंट का प्रेशर और ए पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, लेकिन अगर ये फ्री सरफेस कॉन्वेक्स है, इसे कॉन्वेक्स, ठीक है, तो जो बी पॉइंट का प्रेशर है ना, ये ए पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा होगा, और अगर ये सरफेस कॉनकेव है इसे, तो बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो ए पॉइंट के प्रेशर से कम होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो दोनों का प्रेशर सेम होगा, अगर सरफेस कॉन्वेक्स है तो बी पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा होगा ए पॉइंट से, और अगर ये सरफेस कॉनकेव है तो बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से कम होगा, मतलब फ्री सरफेस के अक्रॉस का प्रेशर हमें यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे क्यों हो रहा है उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो केस नंबर वन है, ये केस नंबर वन को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये जो केस नंबर वन है इसके बारे में, ठीक है, मतलब जब फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल होगा तो ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट का प्रेशर सेम क्यों होगा, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो जैसे कि ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ दोस्तों, ए पॉइंट का प्रेशर कितना है, प्रेशर एट पॉइंट ए क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो दोस्तों ए पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, वो एज्यूम करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर एफ ए, ठीक है, तो एफ ए क्या है दोस्तों, एफ ए है फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए, ठीक है, ए पॉइंट पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से एफ ए फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे ये जो फ्री सरफेस ऐसे है, तो यहाँ पे फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स हमेशा टेंजेंशियल होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एज्यूम करते हैं ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा है, ठीक है, तो ये है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये दोस्तों देखिए यहाँ पर ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन की डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब दोस्तों ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ना, ये टुवर्ड्स लेफ्ट है, ये टुवर्ड्स राइट है, तो ये दूसरे को बैलेंस करेंगे। अब दोस्तों ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया ए पॉइंट और बी पॉइंट बहुत ही नज़दीक नज़दीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हाइट जो है वो निग्लिजिबल हाइट है, ठीक है। तो जो फोर्स ए पॉइंट पे एक्ट होगा वही फोर्स बी पॉइंट पे एक्ट होगा, ठीक है। तो फोर्स एट पॉइंट बी, फोर्स एट पॉइंट बी इज इक्वल टू क्या होगा, इस पॉइंट पे जो फोर्स होगा वो ए पॉइंट जितना ही होगा, तो बी पॉइंट पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो ए पॉइंट जितना ही है, तो प्रेशर एट पॉइंट बी वो क्या होगा, प्रेशर एट पॉइंट है, ठीक है, ओके। क्योंकि ये एफ टी जो है, मतलब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, ये यहाँ पे बी पॉइंट के फोर्स में ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है, इसी वजह से बी पॉइंट का प्रेशर और ए पॉइंट का प्रेशर सेम रहता है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं ये दूसरी केस के बारे में, मतलब जब ये सरफेस कॉन्वेक्स होगा तो बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट से ज़्यादा क्यों होगा, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों केस नंबर टू, इफ द फ्री सर्फेस इज कॉन्वेक्स, ये फ्री सर्फेस अगर कॉन्वेक्स है तो बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो ए पॉइंट से क्यों ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता है दोस्तों ए पॉइंट का प्रेशर कितना है, ए पॉइंट का प्रेशर हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ओके। और दोस्तों मान लेते हैं इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स एक्ट हो रहा है ए पॉइंट पे वो कितना होगा, एफ ए क्या होगा, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो ये जो ए पॉइंट है इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है दोस्तों, एफ ए जितना फोर्स लग रहा है, ठीक है।
दोस्तों हमने यहाँ पर देखा कि एफ ए क्या है, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट ए, ए पॉइंट पे लगने वाला फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे सरफेस टेंशन का फोर्स कैसे लगेगा, देखिए सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लगेगा ना, ठीक है, तो ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे होगा, तो ये एक दूसरे को बैलेंस नहीं हो सकते क्योंकि इन दोनों का अगर रिजल्टेंट आप निकालोगे, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो मान लेते हैं ये एफ टी आर, ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन का रिजल्टेंट है, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस जो है इनका रिजल्टेंट है, तो इनका रिजल्टेंट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है ना, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, तो बी पॉइंट का जो फोर्स है, फोर्स एट पॉइंट बी, वो कितना होगा, एफ ए तो होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन इसमें ऐड क्या होगा, एफ टी आर, ठीक है। तो बी पॉइंट पे दो फोर्सेस लगेंगे, एक तो ये फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और दूसरा दोस्तों ये सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला जो फोर्स है उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा, ठीक है। तो फोर्स एट बी क्या होगा, फोर्स एट बी जो है वो फोर्स एट ए से ज़्यादा होगा, क्योंकि ए पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ ए, बी पॉइंट पे जो फोर्स लग रहा है वो एफ ए प्लस एफ टी आर है, ठीक है, तो बी पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो ए पॉइंट से ज़्यादा होगा, तो प्रेशर एट पॉइंट बी वो भी क्या होगा, ए पॉइंट से ज़्यादा होगा, जो कि ऑलरेडी हम यहाँ पर देख चुके हैं। अगर ये शेप कॉन्वेक्स है तो बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो ए पॉइंट से ज़्यादा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों ये केस नंबर थ्री के बारे में, अगर ये सरफेस कॉन्केव है, ठीक है, तो अगर ये सरफेस कॉन्केव है तो बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से कम क्यों होगा, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं केस नंबर थ्री के बारे में, इफ़ द फ्री सर्फेस इज कॉन्केव, मतलब ये अगर फ्री सर्फेस कॉन्केव शेप का है, ठीक है, तो बी पॉइंट का प्रेशर जो है वो ए पॉइंट से कम क्यों होगा, बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो ए पॉइंट से कम क्यों होगा, उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो दोस्तों ए पॉइंट का प्रेशर हमें पता है, ए पॉइंट का प्रेशर कितना है, प्रेशर एट पॉइंट ए इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक है, ए पॉइंट का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो इस पॉइंट पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, एफ ए, ये एफ ए क्या है दोस्तों, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या है, फोर्स ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, किस पॉइंट पे लगने वाला, ए पॉइंट पे लगने वाला, ठीक है, ए पॉइंट पे इतना ही फोर्स लगेगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर सरफेस टेंशन के फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखिए सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, सरफेस टेंशन का फोर्स एफ टी, ये भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं होते दोस्तों, क्योंकि इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में लगेगा ना, ये दोनों का रिजल्टेंट मान लेते हैं, देखिए ये ऐसे हैं तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लगेगा ना, रिजल्टेंट देखिए इस डायरेक्शन में लगेगा, तो ये एफ टी आर, एफ टी आर क्या है, एफ टी आर मतलब क्या है, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और ये सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, वो ऊपर की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है दोस्तों, ठीक है, एफ ए नीचे की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है और एफ बी ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये जो बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट पर आप बोल सकते हो अभी दो फोर्सेस लग रहे हैं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं दोस्तों, एक एफ ए लग रहा है जो नीचे की तरफ और एफ टी आर ऊपर की तरफ, ठीक है। तो बी पॉइंट पे फोर्स कितना होगा, फोर्स एट पॉइंट बी क्या होगा, एफ ए तो लग रहा है जो नीचे की तरफ लग रहा है, ठीक है, लेकिन एफ टी आर ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पे माइनस करना चाहिए ना, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो प्लस करते हैं हम लोग, अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो फोर्स बी पॉइंट का जो फोर्स है वो एफ ए माइनस एफ टी आर है, ए पॉइंट का फोर्स एफ ए है, तो फोर्स एट पॉइंट बी इज लेस देन फोर्स एट पॉइंट ए, ठीक है, ओके करेक्ट है ना। तो अगर फोर्स एट पॉइंट बी लेस देन फोर्स एट पॉइंट है तो प्रेशर एट पॉइंट बी इज ऑल्सो लेस देन प्रेशर एट पॉइंट ए, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए ये एक्सिस प्रेशर अक्रॉस द फ्री सर्फेस वाला कंसेप्ट खत्म होता है। अब हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं दोस्तों कैपिलरी एक्शन। तो दोस्तों ये कैपिलरी एक्शन को समझने से पहले यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है समझना, वो है कैपिलरी ट्यूब, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब क्या होती है इसको समझते हैं। कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, देखिए अ ट्यूब हैविंग अ वेरी फाइन डायमीटर, डायमीटर को आप बोर भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके, जो नियरली 1 मिलीमीटर के बराबर होता है या उससे कम भी हो सकता है, एंड ओपन एट बोथ द एंड्स, मतलब ये कैपिलरी ट्यूब जो है एक स्ट्रॉ नहीं होती क्या हमारी, वो स्ट्रॉ की जैसी होती है और जिसका जो डायमीटर है वो 1 mm या उससे भी छोटा होता है, ठीक है, और जो दो एंड पे ओपन होती है, मतलब स्ट्रॉ देखिए स्ट्रॉ अगर है तो ये एंड पे भी ओपन रहेगी, ये एंड पे भी ओपन रहेगी, वैसे ये कैपिलरी ट्यूब भी दोनों एंड पे ओपन रहती है, ठीक है, मतलब लगभग ये स्ट्रॉ की तरह ही दिखती है ऐसे, ठीक है, ये कैपिलरी ट्यूब होती है दोस्तों, जो दो एंड पे ओपन होती है और उसका जो बोर मतलब डायमीटर जो होता है 1 mm के अराउंड होता है। तो फिर दोस्तों ये कैपिलरी एक्शन क्या होती है, तो अब बात करते हैं इस कैपिलरी एक्शन के बारे में। तो दोस्तों कैपिलरी एक्शन मतलब क्या, कि अगर आपके पास एक कंटेनर में मान लेते हैं यहाँ पर कोई लिक्विड है, मान लेते हैं आपके पास पानी है या फिर केरोसिन है यहाँ पर, ठीक है, ओके, और ये जो पानी या केरोसिन है इसके अंदर आप लेकर के ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको डाल देते हो ऐसे, ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, अगर ये पानी या केरोसिन है तो ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर ये पानी और केरोसिन की जो लेवल है ये बढ़ जाती है, यहाँ से पानी ऊपर चला जाएगा, मतलब ये आपको ऐसे दिखेगा, यहाँ पे जो ट्यूब है ना, ट्यूब के अंदर जो है ना पानी ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, मतलब ये आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो जब हम ये कैपिलरी ट्यूब को पानी या केरोसिन के अंदर डालते हैं, तो जैसे ही अंदर डालते हैं उसके अंदर जो पानी की लेवल है वो ऊपर चली जाएगी,
इसी को कैपिलरी एक्शन बोलते हैं दोस्तों, ओके। और क्योंकि पानी यहाँ पे ऊपर चढ़ रहा है तो इसको कैपिलरी राइज बोलते हैं, कैपिलरी राइज बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर इसी स्ट्रॉ को आप मर्क्यूरी के अंदर डालो तो क्या होगा, देखिए यही स्ट्रॉ है और इसको आप मर्क्यूरी के अंदर डालो तो क्या होगा दोस्तों, कि मर्क्यूरी की जो लेवल थी पहले, पहले इतनी लेवल थी ना, मान लेते इतनी लेवल थी पहले, और ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको अंदर डालने के बाद क्या होगा कि ये जो ट्यूब है इसके अंदर मर्क्यूरी की लेवल जो है वो नीचे चली जाएगी। मतलब मर्क्यूरी आपको ऐसे दिखेगा, देखिए यहाँ पर मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, तो इसको भी आप कैपिलरी एक्शन बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो लिक्विड की लेवल है वो नीचे चली जा रही है तो इसको हम कैपिलरी फॉल बोलते हैं, ठीक है, कैपिलरी फॉल। कुछ ऐसे लिक्विड्स हैं दोस्तों जिसके अंदर ये कैपिलरी ट्यूब अगर आप डालते हो तो लिक्विड की जो लेवल है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये जो एक्शन है इसको कैपिलरी एक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों ये कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन क्या है, ये कैपिलरी एक्शन को कैपिलैरिटी भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कैपिलैरिटी या कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन। तो दोस्तों ये कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है, देखिए। तो दोस्तों ये कैपिलरी एक्शन की डेफिनेशन देखिए, द फेनोमिना ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड इनसाइड अ कैपिलरी ट्यूब व्हेन इट इज डिप्ड इन अ लिक्विड। मतलब किसी भी कैपिलरी ट्यूब को अगर आप लिक्विड के अंदर डुबो देते हो, ठीक है, तो उसके अंदर या तो लिक्विड की लेवल राइज करेगी या तो लिक्विड की लेवल ड्रॉप करेगी, ठीक है, या फॉल करेगी। इस फेनोमिना को दोस्तों कैपिलैरिटी बोलते हैं, या इसी को कैपिलरी एक्शन भी बोल सकते हो आप, ठीक है। तो किसमें कैपिलरी राइज होगा, किसमें कैपिलरी फॉल होगा दोस्तों, देखिए ऐसे लिक्विड्स जो सॉलिड को कम्प्लीटली या पार्शली वेट करते हैं, कम्प्लीटली या पार्शली वेट करते हैं, ठीक है, उसके केस में दोस्तों कैपिलरी राइज होगा। फॉर एग्जांपल प्योर वाटर, इम्प्योर वाटर, या फिर बोल सकते हो आप केरोसिन, इसके केस में आपको कैपिलरी राइज देखने को मिलेगा, ठीक है। और कौन से केस में दोस्तों आपको यहाँ पर कैपिलरी फॉल देखने को मिलेगा, ऐसे लिक्विड्स जो सॉलिड को वेट नहीं करते, ठीक है, वेट नहीं करते मतलब उसको गीला नहीं करते, जैसे कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी अगर आप हाथ पर लो और ऐसे नीचे डालो तो आपके हाथ को बिल्कुल ही गीला नहीं करेगा, लेकिन ये केरोसिन, प्योर वाटर, नॉर्मल वाटर जो है आपके हाथ को गीला करेंगे, ठीक है। तो जो लिक्विड आपके हाथ को या किसी सॉलिड को गीला नहीं करता उस केस में आपको कैपिलरी फॉल दिखाई देगा, ठीक है। अब दोस्तों ये कैपिलरी एक्शन के जो है ना कुछ एग्जाम्पल्स हैं नेचर में कहाँ पर देखने को मिलता है ये, तो आप ये कैपिलरी एक्शन को कहाँ पर एक्सपीरियंस कर सकते हो, देखिए दोस्तों। तो दिवाली का मान लेते हैं, दिया है, देखिए दोस्तों दिवाली का जो दिया होता है ना, ये इसके अंदर ऑयल होता है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ऑयल होता है और इस ऑयल के अंदर जो है ना ऐसी ये जो है बाती होती है अंदर, ठीक है, ओके। अब जब यहाँ पर आप आग लगाते हो तो जलता क्या है दोस्तों, ये बाती नहीं जल रही है, एक्चुअली ऑयल जल रहा है, ठीक है। तो ऑयल तो यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे कैसे जल रहा है, यहाँ से यहाँ ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसे गया ऊपर वो, तो ये दोस्तों कैपिलरी एक्शन की वजह से होता है, ठीक है। तो ये जो भी मतलब बाती है इसके अंदर ये कैपिलरी ट्यूब जैसा बिहेव करती है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये लिक्विड राइज करता है और यहाँ पे आके जलता है, तो ये कैपिलरी एक्शन का ये पहला एग्जाम्पल हुआ। तो दोस्तों कैपिलरी एक्शन का देखते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल क्या है दोस्तों, कि पेड़ जो होते हैं ना, देखिए यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, ओके, ये पेड़ कुछ इस तरीके के होते हैं। अब दोस्तों पेड़ का खाना कहाँ पे बनता है, ये जो लीव्स होते हैं यहाँ पे बनता है ना खाना, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ये ऑलरेडी आप बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों खाना बनाने के लिए इसको सनलाइट चाहिए, सनलाइट यहाँ से मिलेगा, मिनरल और पानी कहाँ से जाएगा, मिनरल और पानी जो है रूट से जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों रूट से पानी जाने के लिए ऊपर ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए यहाँ पे मोटर थोड़ी लगी है, मोटर नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइंस दोस्तों छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, तो ये जो ट्यूब्स होती है ये कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो यहाँ से जो मिनरल और पानी लगने वाला है लीव्स तक, वो यहाँ से कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ दोस्तों कैपिलरी एक्शन का दूसरा एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल आप घर में प्रैक्टिकल कर सकते हो इसका। देखिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको दो ग्लास लेने हैं ऐसे, ठीक है, ओके। और ये जो दो ग्लास हैं इसके एक ग्लास के अंदर आपको लेना है पानी, और आपको एक टिश्यू पेपर नहीं होता, टिश्यू पेपर आपको क्या करना है ऐसे मतलब रैप करना है उसको, ओके। और ये टिश्यू पेपर को आपको ऐसे डालना है, यहाँ पे ऐसे डालना है, ओके, ये लिक्विड के अंदर थोड़ा आपको यहाँ पर डुबोना है उसको और यहाँ पे ऐसे छोड़ देना है। अब क्या होगा दोस्तों, थोड़ी देर के बाद यहाँ का जो लिक्विड है ऐसे ड्रॉप ड्रॉप करके जो है ना इस ग्लास में आना शुरू हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ का जो लिक्विड है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर कैसे गया, ठीक है, तो यहाँ से ये कैपिलरी एक्शन की वजह से गया। ये जो टिश्यू पेपर के छोटे छोटे मतलब जो थ्रेड्स होते हैं ना, वो कैपिलरी एक्शन, वो मतलब कैपिलरी ट्यूब जैसे आप बोल सकते हो बिहेव करते हैं, ठीक है, और कैपिलरी एक्शन को वो जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ से ये पानी जो है ऊपर चढ़ेगा ऐसे, और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद आपको यहाँ पर पानी दिखाई देगा, ठीक है। तो ये कैपिलरी एक्शन का एक और एग्जांपल है। तो हमने यहाँ पर देखा दोस्तों कि अगर ये कैपिलरी ट्यूब जो है इसको आप किसी लिक्विड के अंदर डालते हो तो या तो लिक्विड राइज करेगा या लिक्विड फॉल करेगा, ठीक है, ओके। तो ये लिक्विड का राइज और फॉल क्यों हो रहा है इसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे इस कैपिलरी राइज के बारे में। तो दोस्तों हमें पता है कैपिलरी राइज कब होता है, कैपिलरी राइज कब होता है, जब कैपिलरी ट्यूब को आप ऐसे लिक्विड के अंदर डालते हो जो सॉलिड को पार्शली वेट करता है या कम्प्लीटली वेट करता है, जैसे कि मान लेते हैं वाटर या केरोसिन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो डायग्राम मैंने बनाई है वो क्या है कि कैपिलरी ट्यूब लिए और जस्ट इंसर्ट किए, ठीक है, अभी कैपिलरी राइज अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। तो जिस मोमेंट में आपने इंसर्ट किया ना उसी मोमेंट का फोटो है ये। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि कैपिलरी राइज क्यों हो रहा है।
तो अब कैपिलरी राइज क्यों हो रहा है इसको समझने के लिए दोस्तों हम यहाँ पर चार पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये जो वाटर है या लिक्विड है कौन सा भी, ये ऐसा सरफेस फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये ऐसा फॉर्म करेगा, यहाँ पे ये ऐसा और यहाँ पे ये ऐसा फॉर्म करेगा, बीच में ये हॉरिजॉन्टल रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ही छोटा है तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे आपको जो है ऐसे मतलब कॉनकेव मेनिस्कस दिखेगा अंदर, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर चार पॉइंट्स हम लोग कंसिडर करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट यहाँ पर कंसिडर करते हैं, ये कॉनकेव सर्फेस के जस्ट ऊपर, ए पॉइंट बोलेंगे इसको। अब ये कॉनकेव सर्फेस के जस्ट नीचे का पॉइंट जो है इसको हम बी बोलेंगे, ठीक है। अब ये ए के लेवल पे जो पॉइंट है इसको हम बोलेंगे सी, और ये बी के लेवल पे यहाँ पे जो पॉइंट है उसको हम बोलेंगे डी, ठीक है। अब दोस्तों ये ए पॉइंट का प्रेशर कौन सा है, ए पॉइंट का और सी पॉइंट का प्रेशर कौन सा है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ये इक्वल होगा। प्रेशर एट पॉइंट ए और प्रेशर एट पॉइंट सी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा ना, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा और ये इक्वल होगा, ठीक है। अब दोस्तों क्योंकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सर्फेस है तो हॉरिजॉन्टल सर्फेस है, इसकी वजह से सी पॉइंट का प्रेशर और डी पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, इक्वल होगा। लास्ट वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं ना, अगर ये लिक्विड सर्फेस हॉरिजॉन्टल है तो ऊपर का और नीचे का जो प्रेशर है वो सेम रहता है, ठीक है। तो इस हिसाब से दोस्तों क्या होगा कि ये पॉइंट का और ये पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो पी ए इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू पी डी बोल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कॉनकेव शेप है ना, ये छोटी सी ट्यूब है इसके वजह से यहाँ पे कॉनकेव शेप बन रहा है, ठीक है। अगर ये बहुत ऐसी ट्यूब होती ठीक है, तो यहाँ पे भी ऐसा सर्फेस बनता है, यहाँ पे ये ऐसे होता, यहाँ पे ऐसे होता और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होता, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ही छोटी है ट्यूब तो यहाँ पे आपको ये ऐसे कॉनकेव शेप दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉनकेव शेप के ऊपर ए पॉइंट है और जस्ट नीचे बी पॉइंट है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो पी पॉइंट है इस पॉइंट का प्रेशर और ए पॉइंट के प्रेशर में क्या रिलेशन होगा, जो ऑलरेडी हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो अगर शेप कॉनकेव है तो बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से कम होगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये कॉनकेव शेप है तो यहाँ पे बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो ए पॉइंट के प्रेशर से कम होगा, ऑब्वियसली ए पॉइंट का प्रेशर और डी पॉइंट का प्रेशर सेम है, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि बी पॉइंट का जो प्रेशर है वो डी पॉइंट के प्रेशर से भी क्या है, कम है। बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से कम है तो डी पॉइंट के प्रेशर से भी कम होगा, मतलब ये जो बी पॉइंट है इसका प्रेशर डी पॉइंट के प्रेशर से कम होगा, ठीक है। ओके, मतलब यहाँ पे होगा हाई प्रेशर और यहाँ पे होगा लो प्रेशर, और लिक्विड कहाँ से कहाँ फ्लो करता है दोस्तों, लिक्विड हमेशा ध्यान में रखिए हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर फ्लो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हाई प्रेशर है तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और यहाँ पे लो प्रेशर होगा, तो ये लिक्विड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये जो लिक्विड है यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा और इस फ्लो की वजह से जो है ना यहाँ पे जो लिक्विड लेवल है वो ऊपर चली जाएगी, इसी वजह से दोस्तों कैपिलरी एक्शन होता है। ये तब तक ऊपर जाएगा लिक्विड जब तक बी पॉइंट का और डी पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता चल चुका है कि कैपिलरी राइज होता क्यों है, ठीक है। क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है, सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है। तो सिंपली दोस्तों ये कैपिलरी राइज और फॉल सरफेस टेंशन की वजह से हो रहा है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब दोस्तों ये लिक्विड कहाँ तक ऊपर चढ़ेगा ये हाइट आप कैलकुलेट कर सकते हो, इसका एक फॉर्मूला है जिसको कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये कैपिलरी राइज का एच के लिए जो फॉर्मूला है उसको अभी नहीं पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं दोस्तों कैपिलरी फॉल के बारे में, ठीक है। तो अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर चुके हैं कैपिलरी राइज क्यों होता है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे कैपिलरी फॉल क्यों होता है उसके बारे में। तो अब दोस्तों हम लोग ये तो जान चुके हैं कि कैपिलरी फॉल होता कब है, कब होता है, जब कैपिलरी ट्यूब आप ऐसे लिक्विड के अंदर डालते हो जो लिक्विड सॉलिड को वेट नहीं करता, मतलब गीला नहीं करता, जैसे कि मर्क्यूरी, ठीक है। अब ये कैपिलरी फॉल होता क्यों है उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर मर्क्यूरी है, तो मर्क्यूरी देखिए कुछ ऐसे दिखेगा ना आपको ऐसे, ठीक है। ये मर्क्यूरी के अंदर जस्ट हमने क्या किया है, यहाँ पर जस्ट हमने जो कैपिलरी ट्यूब को है इंसर्ट किया है और उसी मोमेंट का फोटो है, अभी तक कैपिलरी फॉल नहीं हुआ है। फॉल क्यों होता है उसके बारे में हम बात करने वाले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए ये सरफेस ऐसे होता है, आपका जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर देखिए यहाँ पर जो है ये ऊपर दिखाया हुआ है, यहाँ से ऊपर दिखाया हुआ है, वो गलत है, इसी लेवल को दिखाना है, ठीक है। तो जिस मोमेंट में हमने कैपिलरी ट्यूब को अंदर इंसर्ट किया है ना, उस मोमेंट का ये फोटो है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके आगे एक दो सेकंड में क्या होगा, कैपिलरी फॉल हो जाएगा, ये क्यों होगा उसके बारे में अब हम यहाँ पर बात करेंगे। तो ये कैपिलरी फॉल क्यों हो रहा है उसको समझने के लिए हम यहाँ पर अगेन चार पॉइंट्स कंसीडर करते हैं। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं ए पॉइंट, यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट कंसीडर करते हैं बी पॉइंट, ये मान लेते हैं तीसरा पॉइंट है सी और ये चौथा पॉइंट है डी, ठीक है। अब दोस्तों ये डी और बी पॉइंट एक लेवल पे है और ए और सी पॉइंट एक लेवल पे है, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कैपिलरी फॉल होता क्यों है उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों ये पॉइंट ए पॉइंट एयर में है, सी पॉइंट एयर में, तो यहाँ पे जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो पी ए मतलब क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा जो पी सी के बराबर होगा क्योंकि एक लेवल पे, ठीक है। सो पी ए इज इक्वल टू पी सी इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल सर्फेस है, तो हॉरिजॉन्टल सर्फेस है तो सी पॉइंट और डी पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, लास्ट कंसेप्ट में बात कर चुके हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ए पॉइंट का प्रेशर, सी पॉइंट का प्रेशर और डी पॉइंट का प्रेशर सेम है, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों बी पॉइंट के प्रेशर के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, ठीक है। तो इसकी वजह से ए पॉइंट का प्रेशर और बी पॉइंट के प्रेशर के बीच क्या रिलेशन होगा, यहाँ पर ऑलरेडी हम देख चुके हैं, देखिए। तो अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस है ऐसे ऐसे अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस है तो बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर भी ये बी पॉइंट का प्रेशर जो है वो ए पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा है, तो बी पॉइंट का प्रेशर ए पॉइंट के प्रेशर से ज़्यादा है, तो ए और डी इक्वल है, इसकी वजह से आप बोल सकते हो कि बी पॉइंट का प्रेशर डी पॉइंट के प्रेशर से भी ज़्यादा होगा, यहाँ से भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हाई प्रेशर है,
और यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है तो यहाँ पे भी लो प्रेशर है। तो लिक्विड क्या करता है, हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करता है, तो यहाँ से ये इधर फ्लो करेगा, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ की जो लेवल है वो नीचे चली जाएगी, ठीक है। कब तक नीचे जाएगी, जब तक डी पॉइंट और बी पॉइंट का प्रेशर सेम नहीं हो जाता तब तक वो नीचे जाता रहेगा, ठीक है। और इसी चीज़ को अगर आप माइक्रोस्कोप में, यहाँ पर माइक्रोस्कोप में या नेकेड आई से भी अगर देखोगे तो आपको कैसे दिखेगा, देखिए यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, तो ये मर्क्यूरी आपको ऐसे दिखेगा। देखिए यहाँ पर जैसे आप ये कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट करते हो, अंदर की जो मर्क्यूरी की लेवल है वो नीचे चली जाएगी, मतलब यहाँ पर ये कैपिलरी फॉल हो जाएगा। और ये कैपिलरी फॉल भी एच लेटर से दिखाते हैं, ठीक है। और इसको निकालने का भी फॉर्मूला है, सेम ही फॉर्मूला है, ठीक है। वो फॉर्मूला आया कैसे उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। सिर्फ कैपिलरी राइज जो होता है वो पॉजिटिव से दिखाते हैं हम, लेकिन कैपिलरी फॉल जो होता है नीचे चला जाता है वो नेगेटिव से दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। उसको माइनस एच कंसिडर करना है कैपिलरी फॉल को, और कैपिलरी राइज जब होता है उसको प्लस एज्यूम करना है, ये एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त हम बताएंगे, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पर कैपिलरी राइज क्या होता है और कैपिलरी फॉल क्या होता है, ये बात हमें समझ में आ गई है। तो अब दोस्तों हम लोग यहाँ पर ये जो कैपिलरी राइज और कैपिलरी फॉल है इसका मैथमेटिकल इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे, एच का इक्वेशन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे और उसको प्रूव भी करेंगे। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि अगर कैपिलरी ट्यूब को आप किसी भी लिक्विड के अंदर डालते हो, मान लेते हैं ये वाटर है, ठीक है, वाटर है या फिर केरोसिन है, तो इस कैपिलरी ट्यूब को अगर आप वाटर या केरोसिन के अंदर डालते हो ना, तो यहाँ पर ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसके अंदर लिक्विड की लेवल जो है वो राइज हो जाएगी, ठीक है। ये क्यों होता है इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, ठीक है, ओके। और यही अगर कैपिलरी ट्यूब आप मर्क्यूरी के अंदर डालोगे तो वहाँ पे जो है ये जो मर्क्यूरी की जो लेवल है वो नीचे चली जाएगी, उसको कैपिलरी फॉल बोलते हैं या कैपिलरी डिप्रेशन बोलते हैं उसको। और दोस्तों ये जो कैपिलरी राइज है और कैपिलरी फॉल जो है ये हम एच लेटर से दिखाते हैं इसको, ठीक है, एच लेटर से दिखाते हैं। दोस्तों इस वीडियो में ये जो एच है इसका इक्वेशन हमें निकालना है, इसका एक्सप्रेशन निकालना है, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमें प्रूव करना है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जो एच है, कैपिलरी राइज हो या फॉल हो, एक ही इक्वेशन होगा, वो इक्वेशन क्या है सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो इक्वेशन क्या है, देखिए एच इज इक्वल टू टू टी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, ठीक है। और यहाँ पर ये टर्म समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है, जिसमें टी का मतलब क्या है, टी का मतलब है सरफेस टेंशन, थीटा का मतलब होता है दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो मतलब ये लिक्विड की डेंसिटी, आर मतलब ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसकी रेडियस, और जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब दोस्तों ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए दो मेथड्स आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किए गए हैं। मेथड नंबर वन जो है वो प्रेशर का इस्तेमाल करके दोस्तों इसको प्रूव किया गया है, और मेथड नंबर जो टू है दोस्तों इसमें फोर्सेस का इस्तेमाल करके इसको प्रूव किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान मेथड है मेथड नंबर टू, इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और ये फॉर्मूला जो है इसको डिराइव करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये जो इक्वेशन है इसको प्रूव करने के लिए यहाँ का जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर जूम करके निकालते हैं। तो ये जो पार्ट है दोस्तों इसको मैंने यहाँ पर जूम किया हुआ है, और ये जो है ना ये कैपिलरी राइज है, मतलब ये एच की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं दोस्तों इतना लिक्विड कैपिलरी ट्यूब के अंदर ऊपर चढ़ गया है, ठीक है, ये इतना लिक्विड राइज हो गया है। अब दोस्तों ये लिक्विड के ऊपर कौन कौन से फोर्सेस लग रहे होंगे, मान लेते हैं ये जो लिक्विड है इसका मास है एम, तो इसके ऊपर वेट इस डायरेक्शन में एक्ट होगा ना, ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है एम जी वो इसको नीचे की तरफ खींचेगा, मतलब इस ये जो लिक्विड है इसके ऊपर एम जी डाउनवर्ड लग रहा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा, ठीक है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कैसे लगता है, इस डायरेक्शन में लगेगा ना, अगर ये लिक्विड लेवल हॉरिजॉन्टल होती है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, देखिए अगर ये ट्यूब है और ये अंदर की लिक्विड लेवल अगर हॉरिजॉन्टल होती तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन इस डायरेक्शन में लगता है ऐसे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे लगता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोस्तों देखिए ये थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ऐसे कॉन्केव शेप बना रहा है, तो यहाँ पर फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा, ये एफ टी होगा, ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे लगेगा। तो दोस्तों क्योंकि ये देखिए डाउनवर्ड फोर्स है और ये इंक्लाइन फोर्स है, तो हमें क्या करना होगा, ये जो फोर्सेस को रिजॉल्व करना होगा, ठीक है। तो रिजॉल्व करने के लिए एंगल का पता होना जरूरी है, तो हमें पता है दोस्तों ये पॉइंट पे देखिए अगर इसको टेंजेंट बनाए हम लोग तो ये होता है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा, तो ये अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये भी क्या हुआ दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया थीटा, ठीक है। तो अब दोस्तों ये एफ टी को कैसे रिजॉल्व करोगे, यहाँ पे देखिए ब्लैक कलर से मैं रिजॉल्व करता हूँ, एफ टी को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा दोस्तों इस साइड में थीटा दिया हुआ है तो वर्टिकल कंपोनेंट को हम एफ टी कॉस थीटा बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा होगा ऐसे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा एफ टी साइन थीटा, ठीक है। अब दोस्तों ये जो वेट है एम जी इसको कौन बैलेंस करने वाला है, इसको ये एफ टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा ना, ठीक है, ये एम जी को कौन बैलेंस करेगा, एफ टी कॉस थीटा बैलेंस करेगा। तो ये पहली स्टेप आपको ध्यान रखनी है ताकि आप इस इक्वेशन तक पहुंच पाओ, ठीक है। तो कभी भी दोस्तों अगर ये इक्वेशन को आपको डिराइव करने को बोला, प्रूव करने को बोला ना, तो पहली स्टेप आपको ध्यान रखनी है, जैसे कहीं किसी गाँव को जाना है आपको, ठीक है, तो आप क्या करते हो पहला रोड ध्यान में रखते हो ना, अगर पहला रोड आपके ध्यान में है तो आप उस गाँव तक कैसे भी पहुंच जाते हो, ठीक है। वैसे ही दोस्तों आपको पहली स्टेप अगर ध्यान में है तो इस इक्वेशन तक आप पहुंच सकते हो। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को डिराइव करने के लिए स्टेप नंबर वन क्या है कि ये जो लिक्विड है इसको कौन बैलेंस कर रहा है, ये वेट को कौन बैलेंस कर रहा है, एफ टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है दोस्तों, वेट ऑफ लिक्विड इज बैलेंस्ड बाय एफ टी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये एम जी को एफ टी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों यहाँ पर एफ टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी होगा, या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो, देयरफॉर एम जी इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वो पहला इक्वेशन है जो आपको इस इक्वेशन तक पहुंचा देगा, ठीक है।
दोस्तों ये एफ टी क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन की डेफिनेशन क्या है, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ। ओके तो यहाँ पे दोस्तों ये जो फोर्स है एफ टी, ये कौन से लेंथ पर लग रहा है वो आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसकी थ्री डायमेंशनल फिगर बनाता हूँ। देखिए ये जो कैपिलरी ट्यूब है, मान लेते हैं कैपिलरी ट्यूब थ्री डायमेंशन में ऐसे दिख रही है, ठीक है। ओके और इसके अंदर जो लिक्विड राइज हुआ है वो ऐसे राइज हुआ है, ये थ्री डायमेंशनल व्यू है, ठीक है। ओके अब दोस्तों ये जो एफ टी फोर्स है, ये जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है, ये यहाँ पर देखिए हर एक पॉइंट के ऊपर लग रहा है, ठीक है। तो ये सर्कल जो है इस सर्कमफेरेंस के हर एक पॉइंट के ऊपर ये फोर्स लग रहा है एफ टी, ठीक है। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, टी इज इक्वल टू फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, लेंथ क्या होगी दोस्तों इसका सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो सर्कमफेरेंस कितना होता है दोस्तों, अगर इसकी रेडियस आर है, ये कैपिलरी ट्यूब की रेडियस आर है, ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, टू पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सरफेस टेंशन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी, टू पाई आर। तो यहाँ से दोस्तों एफ टी के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, एफ टी इज इक्वल टू टी इंटू टू पाई आर बनेगा, टी इंटू टू पाई आर, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको यहाँ पर पुट करना है, ठीक है। फिर दोस्तों हमें पता है, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला हमें पता है, मास के लिए कुछ रिप्लेसमेंट करनी है, उसके लिए डेंसिटी का फॉर्मूला देखते हैं। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से दोस्तों मास के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। ओके और दोस्तों वॉल्यूम क्या होता है, ये जो लिक्विड है यहाँ पर देखिए, ये जो लिक्विड है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कितना होगा, ये बॉटम का एरिया इनटू ये हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर ये डेंसिटी इनटू ये बॉटम का एरिया, ये एरिया इनटू ये हाइट, ठीक है। मान लेते हैं इतना हाइट राइज किया हुआ है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर एरिया इनटू हाइट। अब एरिया कौन सा, ये सर्कल का एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों ये रो इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू एच हो जाएगा, ठीक है। तो मास के लिए ये इक्वेशन बनेगा, ये दो रिप्लेसमेंट आपको यहाँ पे करने हैं दोस्तों, एक आपको एफ टी का रिप्लेसमेंट करना है यहाँ पर, और दूसरा आपको मास का रिप्लेसमेंट करना है, आपको डायरेक्टली ये इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों रिप्लेसमेंट करने के बाद देखिए क्या करना होगा हमें, यहाँ पर एम के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, रो पाई आर स्क्वायर एच, रो पाई आर स्क्वायर एच। फिर जी कितना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए जी की वैल्यू, जी पुट करेंगे, वैल्यू नहीं पुट करनी हमें, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, एफ टी, एफ टी के लिए क्या इक्वेशन पुट करना है, टी इंटू टू पाई आर, टी इंटू टू पाई आर, और ये कॉस थीटा है, ठीक है। अब यहाँ पे कैंसलेशन किसका किसका होता है, देखिए ये जो पाई है इससे पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हमें एच के लिए इक्वेशन पता करना है ना, यहाँ पर एच के लिए इक्वेशन पता करना है, तो एच इस साइड में रखेंगे और बाकी का जो ये रो आर जी है उसको उधर भेजेंगे। तो उधर भेजने के बाद क्या होगा, ऊपर तो देखिए टू टी कॉस थीटा बचेगा, टू टी कॉस थीटा ऊपर बचेगा, ठीक है। और ये रो आर जी को उधर भेजने पर ये जाएगा डिनोमिनेटर में। तो यहाँ से दोस्तों ये कैपिलरी राइज के लिए हमें इक्वेशन मिल चुका है, टू टी कॉस थीटा अपॉन रो आर जी, टू टी कॉस थीटा अपॉन रो आर जी, ठीक है। ओके तो यहाँ पे ये टर्म क्या क्या है ये आपको बताना जरूरी है, टी मतलब सरफेस टेंशन है, थीटा मतलब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, रो मतलब डेंसिटी, आर मतलब ये कैपिलरी ट्यूब की रेडियस, और जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है, ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों, कैपिलरी राइज के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करना है, कैपिलरी राइज जो है उसके लिए यही फॉर्मूला यूज़ करना है, और कैपिलरी जो फॉल है दोस्तों उसके लिए ही, उसके लिए भी यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। सिर्फ एक आपको यहाँ पर डिफरेंस पता होना जरूरी है कि कैपिलरी राइज हम प्लस एच से लेते हैं, मतलब अगर कैपिलरी राइज की वैल्यू प्रोवाइड की गई है एग्जाम में, तो ये कैपिलरी राइज जो है वो प्लस एच लेंगे हम, और कैपिलरी फॉल जो है माइनस एच कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसको तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त समझेंगे, लेकिन कैपिलरी राइज का और कैपिलरी फॉल का सेम फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर दोस्तों आपको सरफेस टेंशन पूछा गया है, तो सरफेस टेंशन कैसे निकालोगे, सरफेस टेंशन इस साइड में रखना है और बाकी की सारी चीज़ें जो है उसको उधर भेजना होगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, टी इज इक्वल टू ये क्या होगा, रो आर जी एच, रो आर जी एच उधर जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पर टू कॉस थीटा। तो सरफेस टेंशन अगर पूछते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, और अगर एच पूछते हैं तो ये फॉर्मूला यूज़ करना है, याद आप एक ही फॉर्मूला रखिए, ठीक है। अगर सरफेस टेंशन पूछते हैं तो ये फॉर्मूले से आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। ओके तो यहाँ पे दोस्तों ये एक्सप्रेशन फॉर कैपिलरी राइज एंड फॉल ये वाला कंसेप्ट खत्म होता है। अब दोस्तों इस कंसेप्ट के ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं आपके एक्सरसाइज के अंदर, उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल देखिए, पेज नंबर 55 के ऊपर एग्जांपल नंबर 18, एक्सरसाइज के अंदर का एग्जांपल नंबर 18, इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले रीड करिए दोस्तों, आपके स्क्रीन के ऊपर ये क्वेश्चन दिख रहा है, कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ थिन ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 0.1 mm व्हेन इमर्स्ड इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन 7 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर मीटर। द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन वाटर एंड ग्लास इज जीरो, डेंसिटी ऑफ वॉट इज गिवन टू यू 1000 kg/m³, एंड वैल्यू ऑफ जी इज ऑल्सो गिवन टू यू 9.8 m/s², ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या क्या प्रोवाइड किया गया है, देखिए कैलकुलेट द राइज ऑफ वाटर इनसाइड अ थिन ग्लास कैपिलरी ट्यूब, मतलब आपको एच निकालना है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों रेडियस प्रोवाइड की गई है 0.1 mm, तो मिलीमीटर का कन्वर्जन आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा। सो 0.1 × mm का मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ठीक है। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो गया। वेन इमर्स इन वाटर ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वैल्यू प्रोवाइड की गई है दोस्तों कितने, देखिए 7 × 10⁻²⁺ न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट प्रोवाइड किया गया है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट कितना है, थीटा की वैल्यू क्या प्रोवाइड की गई है यहाँ पर 0°, ठीक है। और डेंसिटी भी प्रोवाइड की गई है दोस्तों, डेंसिटी यहाँ पर 1000 kg/m³ है, 1000 kg/m³ प्रोवाइड की गई है। और दोस्तों जी की वैल्यू भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड की गई है, जी की वैल्यू कितनी देखिए, जी की जो वैल्यू है वो है दोस्तों 9.8 m/s², ठीक है।
ठीक है, आपको क्या पता करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर एच पता करना है। तो एच पता करने के लिए दोस्तों ये फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपली आपको ये वैल्यूज़ को पुट करना है, तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, टू इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है, 7 × 10⁻²। सो 2 × 7 × 10⁻²। फिर दोस्तों कॉस थीटा है, मतलब कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा ये, कॉस ऑफ जीरो डिवाइडेड बाय रो, डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1000 इंटू जी की वैल्यू 9.8, ठीक है, इंटू रो जी, और बाद में क्या है आर है, आर मतलब 0.1 × 10⁻³, 0.1 × 10⁻³। दोस्तों ये 10⁻³ और ये 1000 मतलब 10⁻³, तो 10⁻³ और 10⁻³ एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए 2 × 7 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 इंटू ये हो जाएगा 10⁻², और कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पर 9.8 × 0.1, तो ये 9.8 × 0.1 क्या हो जाएगा, 0.98 हो जाएगा ना, ठीक है, ओके। अब अगर दोस्तों ऊपर और नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, देखिए अगर आप यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 100 से अगर मल्टीप्लाई करते हो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ये 10⁻², ये 10⁻², कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर ऊपर बचेगा सिर्फ 14, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, 0.98 × 100 हो जाएगा 98। अब ये आसान हो गया, ठीक है, सो 14 × 14, 14 × 7 = 98। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, 1/7 हो जाएगा, 1/7 मतलब क्या करना है, सिंपली आपको देखिए 1 को 7 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 7 × 0 = 0, यहाँ पर बचा 1, डेसिमल पॉइंट लिया आपने, ठीक है, और एक जीरो लिया, 7 × 1 = 7 बचा 3, ओके, डेसिमल पॉइंट की बात कितने बार भी आप जीरो ले सकते हो, 7 × 4 = 28, ठीक है, बचा कितना 2, जीरो लिया आपने, 7 × 2 = 14, और आगे तक आप जा सकते हो, लेकिन ये इतना आंसर काफ़ी है, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा यहाँ पर 0.142, और यूनिट क्या होगा, क्या फाइंड आउट किया दोस्तों आपने यहाँ पर, एच फाइंड आउट किया, तो एच हम किस में मेजर करते हैं, हाइट हम मीटर में मेजर करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर मिलेगा आपको मीटर में मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों एक और एग्जांपल इसी कंसेप्ट के ऊपर, पेज नंबर 43 के ऊपर देखिए, एक सॉल्ड एग्जांपल है, लेकिन इसमें थोड़ा कैलकुलेशन कैसे करते हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो दोस्तों रीड करिए एग्जांपल, क्या देखिए, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 5 × 10⁻⁴ मीटर इज इमर्स्ड इन अ बीकर फिल्ड विद मर्क्यूरी। तो दोस्तों आप दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक कैपिलरी ट्यूब है जिसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है 5 × 10⁻⁴ मीटर, ऑलरेडी यहाँ पर मीटर में दिया हुआ है, तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन अब दोस्तों ये जो ट्यूब है ये मर्क्यूरी में डाली गई है, मर्क्यूरी में डालोगे तो क्या होगा, कैपिलरी फॉल हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर दोस्तों कैपिलरी फॉल होने वाला है, ठीक है। अब आगे बढ़िए, द मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द ट्यूब इज फाउंड टू बी 8 × 10⁻³ मीटर बिलो द लेवल ऑफ रिजर्वायर। तो यहाँ पे दोस्तों एच की वैल्यू प्रोवाइड की गई है, ठीक है, कितना कैपिलरी फॉल हो रहा है, 8 × 10⁻³ मीटर, कितना कैपिलरी फॉल हो रहा है, क्योंकि दोस्तों ये कैपिलरी फॉल है तो आपको नेगेटिव साइन देना है यहाँ पर, ठीक है, कैपिलरी फॉल को आप नेगेटिव साइन देते हैं, ये बात ध्यान में रखना है आपको, कैपिलरी फॉल जो होता है वो नेगेटिव साइन से लेते हैं हम लोग, कैपिलरी राइज होगा तो प्लस साइन दिखाएंगे उसको, ठीक है। बाकी पढ़िए क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों, डिटरमाइन द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मर्क्यूरी एंड ग्लास, मतलब आपको यहाँ पर दोस्तों थीटा पता करना है, ठीक है, ओके। आगे बढ़िए, सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज 0.465 न्यूटन पर मीटर। तो सरफेस टेंशन ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन टू यू एंड इट इज 0.465 न्यूटन पर मीटर, एंड इट्स डेंसिटी इज ऑल्सो गिवन टू यू, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी इज 13.6 × 10³ kg पर मीटर क्यूब, द वैल्यू ऑफ जी इज ऑल्सो प्रोवाइडेड, इट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो नाउ हियर आपको क्या पता करना है दोस्तों, आपको यहाँ पर थीटा पता करना है, ठीक है। दोस्तों थीटा पता करने के लिए सिंपल आपको क्या फॉर्मूला याद होना जरूरी है, आपको ये एच का फॉर्मूला पता होना जरूरी है, ठीक है। तो एच का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय रो आर जी, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए cos थीटा के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, ये रो आर जी उधर चला जाएगा, तो cos थीटा के लिए क्या इक्वेशन बनेगा, cos थीटा इज इक्वल टू रो आर जी एच डिवाइडेड बाय दोस्तों यहाँ पर ये हो जाएगा 2t, ठीक है। तो इस इक्वेशन से आप थीटा का पता कर सकते हो। तो सिंपली दोस्तों पहले तो cos थीटा के लिए इक्वेशन बनाना होगा आपको, cos थीटा इज इक्वल टू रो, रो डेंसिटी की वैल्यू कितनी है 13.6 × 10⁻³, ठीक है। फिर r की वैल्यू कितनी है दोस्तों, देखिए यहाँ पर r की वैल्यू कितनी है 5 × 10⁻⁴, 5 × 10⁻⁴, फिर g की वैल्यू 9.8, फिर h की वैल्यू दोस्तों 8 × 10⁻³, माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ पर देंगे हम लोग, ठीक है, इनिशियली देंगे, या ब्रैकेट में यहाँ पर भी दे सकते हो, −8 × 10⁻³, ठीक है, ओके। अब डिवाइडेड बाय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये डिवाइडेड बाय क्या होगा, 2 × t की वैल्यू कितनी है 0.465। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले दोस्तों ये 10⁻³ से 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके, ये बचेगा 10⁻⁴ ऊपर, और ये नेगेटिव साइन आ जाएगा इनिशियली यहाँ पर, माइनस ब्रैकेट में लोगे आप यहाँ पर 13.6 × 5, ओके, × 9.8 × 8, ठीक है, ओके, और ब्रैकेट के बाहर ये 10⁻⁴ लिख सकते हो आप, और डिनोमिनेटर में ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर आपको 0.930 मिलेगा, ठीक है, और ये माइनस साइन यहाँ पर रख के दोस्तों इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है, लॉग टेबल का यूज़ करके इसका कैलकुलेशन आप कर सकते हो, डायरेक्टली आपको आंसर मिल सकता है, या थोड़ा और सिंप्लीफाई करके आप यहाँ पर लॉग टेबल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो दोस्तों इन चारों का मल्टीप्लीकेशन करिए, यहाँ पर ये माइनस साइन उसको वैसे रखिए, ये चारों का मल्टीप्लीकेशन क्या आ रहा है, देखिए 5331.2 आ रहा है, और ये 10⁻⁴ उसको वैसे रखना है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है दोस्तों यहाँ पर 0.930, ठीक है।
अब दोस्तों इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ठीक है, इसको आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो लॉग टेबल का यूज़ करके, या और इसको आपको यहाँ पर सिंप्लीफाई करना है तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर ऊपर और नीचे हम लोग 10^4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर और नीचे एक नंबर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ये रूल है, ठीक है। तो ऊपर और नीचे आप 7 नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर में कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। ओके, अब ये 10^-4 को 10^+4 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या मिलेगा आपको, ये माइनस साइन वैसे रहेगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में कॉस थीटा है, और ये क्या होगा देखिए यहाँ पर 5331.2 डिवाइडेड बाई, इसको 10^4 से मल्टीप्लाई करने पर ये डेसिमल पॉइंट 4 डिजिट्स आगे चला जाएगा, सो 1, 2, 3 और एक जीरो ऐड करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा आपको देखिए 9300 मिलेगा, ठीक है, 0.930 को 10^4 से मल्टीप्लाई करने पर ये मिलेगा, ठीक है। अब इसको आप आराम से दोस्तों लॉग टेबल का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो, लॉग टेबल का यूज़ करके अगर आप सॉल्व करते हो तो इसको ये जो आंसर है आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिल रहा है देखिए दोस्तों यहाँ पर 0.5732 ये आंसर मिल रहा है, ठीक है। तो ये लॉग टेबल का यूज़ करके आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। दोस्तों कॉस थीटा के लिए ये इक्वेशन मिल रहा है आपको, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ मैं, देखिए कॉस थीटा के लिए आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू -0.5732 ये आपको मिल रहा है, ओके। अब आपको दोस्तों लॉग टेबल का यूज़ करना होगा यहाँ पर, लॉग टेबल में दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो नेचुरल कोसाइंस है इसका टेबल देखना है आपको। तो इसमें सबसे पहले तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज हैं, नेगेटिव वैल्यूज तो है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम दोनों साइड को एक -1 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, और इसको -1 से मल्टीप्लाई करने पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये 0.5732 आ जाएगा। अब ये 0.5732 आपको यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है, ये नंबर यहाँ पर सर्च करना है, ओके। तो ये नेचुरल कोसाइंस देखते कैसे हैं ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं दोस्तों क्लास 11 में, सिंपली आपको यहाँ पर एक बार बताता हूँ देखिए मैं। तो सपोज़ दोस्तों आपको कॉस जीरो की वैल्यू पता करनी है तो आप कैसे करोगे, यहाँ पर डिग्रीज दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे आप जीरो सर्च करोगे तो जीरो यहाँ पर है, ठीक है। तो कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, कॉस जीरो की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, ठीक है, ओके। मतलब क्या कि कॉस 0 डिग्री और 0 मिनट की वैल्यू कितनी है, ये देखिए यहाँ पर कॉस 0 डिग्री और 0 मिनट की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है, ओके। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपको पूछते हैं दोस्तों कॉस थीटा इज इक्वल टू, सपोज आपको ऐसे पूछते हैं कॉस थीटा की वैल्यू 1 है, थीटा की वैल्यू बताइए, तो क्या करना होगा, कॉस को उधर भेजना होगा, कॉस को अगर आप उधर भेजोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1। तो अब अगर दोस्तों कॉस इनवर्स ऑफ 1 है तो ये जो कॉस इनवर्स के आगे जो है ना नंबर, वो आपको यहाँ पे सर्च करना होता है। अब यहाँ पे नहीं देखना है आपको, अब आपको यहाँ पे देखना हो, ठीक है। तो यहाँ पे 1 कहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, ये सारे पॉइंट में आपको ये ध्यान में रखना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर 0.9903 ये 0.9900 ऐसे है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे 1 कहाँ पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे 1 देखिए यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके रिलेटेड डिग्री और इसके रिलेटेड मिनट ढूंढना होता है, तो इसके रिलेटेड डिग्री कितना है 0 और इसके रिलेटेड मिनट कितना है 0, तो 0 डिग्री 0 मिनट, इसका आंसर क्या आ जाएगा थीटा का 0 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों उसी का इस्तेमाल करके हम आंसर फाइंड आउट करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो ये माइनस साइन हमें यहाँ से गायब करना होगा, ठीक है। तो ये माइनस साइन गायब करने के लिए हमें अलाइड एंगल्स का यूज़ करना होगा। तो अलाइड एंगल्स में दोस्तों आपने पढ़ा है, देखिए कॉस जो है कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा जो होता है ना, ये होता है माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस कॉस थीटा की जगह पर आप यहाँ पर कॉस पाई माइनस थीटा पुट कर सकते हो, ये आपको याद होना जरूरी है, ठीक है। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखनी है, कभी अगर एग्जाम में ऐसे माइनस कॉस थीटा आता है तो उसकी जगह पर कॉस पाई माइनस थीटा पुट करना है आपको, ठीक है। सो यहाँ पर दोस्तों ये कॉस जो है पाई माइनस थीटा आ जाएगा, और इसके लिए क्या वैल्यू आ रही है 0.5732, ठीक है। अब दोस्तों ये कॉस को उधर भेजते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए पाई माइनस थीटा के लिए क्या वैल्यू मिलेगी, कॉस उधर जाने के बाद कॉस इनवर्स ऑफ 0.5732 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों कॉस इनवर्स मिल चुका है, तो ये नंबर हमें ढूंढना है, ये नंबर हमें कहाँ पर ढूंढना है, देखिए ये नंबर हमें ढूंढना है यहाँ पर, ठीक है, ये नंबर ढूंढना है एक्जैक्टली। अगर ये नहीं मिलता है तो आपको ध्यान में रखना है कि इसके अगला नंबर ढूंढना है, ठीक है, कॉस के लिए इसका अगला नंबर ढूंढना होता है, ठीक है। तो इसके अगला नंबर कहाँ पर है, देखिए 0.5732, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए 5721 है, लेकिन 5732 के अगला नंबर ये है ना 5736, ठीक है। तो इसके रिलेटेड डिग्री और इसके रिलेटेड मिनट्स कितने हैं, 55 डिग्री 0 मिनट, ठीक है। अब दोस्तों इसका आंसर के हम करीब आ रहे हैं, ये कहाँ पे है 55 डिग्री और 0 मिनट, लेकिन दोस्तों ये जो नंबर है वो एग्जैक्टली ये नहीं है, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 4 का डिफरेंस है, ठीक है, ओके। तो ये 36 में से कितने माइनस करने हैं आपको, तो 32 मिल जाएगा, 36 में से 4 माइनस करने होंगे, तो 4 आपको ढूंढना होता है दोस्तों यहाँ पर मीन डिफरेंस के कॉलम में। तो मीन डिफरेंस के कॉलम में 4 तो नहीं है, लेकिन 5 है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से 36 में से ये 5 माइनस करना पड़ता है, तो आपको ये नंबर मिलेगा ना यहाँ पर, ठीक है। तो इसके रिलेटेड जो मिनट्स है ना, ये आपको इसमें ऐड करने होते हैं, ठीक है, ये 55 डिग्रीज और 0 मिनट्स में आपको वो 2 मिनट्स ऐड करने होते हैं, ठीक है, ओके। तो फाइनल आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता है, कितना मिलेगा देखिए, ये 55 डिग्रीज और 2 मिनट्स मिल जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों पाई माइनस थीटा के लिए हमें एक इक्वेशन मिल चुका है, पाई माइनस थीटा के लिए हमें क्या मिल चुका है, 55 डिग्रीज और 2 मिनट्स, 55 डिग्रीज और 2 मिनट्स। दोस्तों हमें थीटा पता करना है, ओके। थीटा कैसे पता करोगे, पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्रीज, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 180 डिग्रीज पुट करते हैं, सो 180 डिग्रीज माइनस थीटा
इज इक्वल टू 55 डिग्रीज और 2 मिनट्स। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर थीटा पता करना है तो थीटा को उधर भेजते हैं, इसको इधर लेते हैं, तो थीटा को उधर भेजते हैं तो थीटा हो जाएगा पॉजिटिव, इसको इधर लेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव। सो 180 डिग्रीज माइनस 55 डिग्रीज 2 मिनट्स। तो दोस्तों 180 डिग्री में से इसको माइनस करना है, तो सबसे पहले तो 180 डिग्री में मिनट नहीं है, तो सबसे पहले तो ये 180 डिग्री को हम क्या बोलेंगे, 179 डिग्रीज, और एक डिग्री मतलब 60 मिनट होता है, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 180 डिग्री को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसमें से ये माइनस करना है, तो यहाँ से ये 55 डिग्रीज और 2 मिनट जो है ये माइनस हो जाएगा, तो 60 मिनट्स में से 2 मिनट्स गया दोस्तों, यहाँ पर बचेगा 58 मिनट्स, और 179 डिग्री में से 55 डिग्रीज गया, 9 में से 5 गया, कितना बचा दोस्तों 4, यहाँ पर देखिए 17 में से जो है 5 गया, 12 बचेगा ना। ठीक है, तो ये फाइनल आंसर जो मिलेगा आपको थीटा का वो कितना मिलेगा, 124 डिग्री 58 मिनट्स। सो थीटा इज इक्वल टू 124 डिग्रीज और 58 मिनट्स। ठीक है, अब दोस्तों ये नेचुरल कोसाइंस देखने का जो रूल है वो क्या है, इसको थोड़ा आप स्टडी करिए, यूट्यूब में मैंने भी अपलोड किया है और बाकी लोगों ने भी इसको अपलोड किया है, तो ये कॉस की वैल्यूज नेचुरल कोसाइन का टेबल देखते कैसे हैं उसको आप सर्च करिए, ताकि ये आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये कैपिलरी राइज एंड फॉल ये वाला कंसेप्ट खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम अगले कंसेप्ट के साथ मिलेंगे, तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए।